सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारे बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। धोखाधड़ी का मामला, सहारा इंडिया में पैसा जमा करने के नाम पर धोखाधड़ी। बड़ी अपडेट दैनिक भास्कर से, पंजवारा की बड़ी खबर। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया में निवेशकों का पैसा जो इस वक्त जमा है, कुछ तो सेबी विभाग हड़प चुका और कुछ सहारा प्रबंधन हड़प चुका और बाकी का पैसा जो है यहाँ पर कार्यकर्ता हड़प चुके हैं। तो ये अजीबोगरीब मामला दोस्तों यहाँ पर सामने निकल कर आया। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सारा प्रबंधन के बारे में जो भी अपडेट देते हैं एकदम जैनमैन और स्टीक देते हैं। तो दोस्तों आज जो हम आपके लिए अपडेट लेकर आए दैनिक भास्कर से है, पंजवारा की बड़ी खबर है। सारा इंडिया में पैसा जमा करने के नाम पर धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया। इसको लेकर पंजवारा बाजार निवासी युवक राकेश कुमार ने पंजवारा थाना में लिखित आवेदन देकर मामले की शिकायत की है। युवक ने पुलिस को दिए गए आवेदन में आरोप लगाया कि पंजवारा बाजार निवासी धनंजय शर्मा ने उससे सहारा इंडिया में जमा करने के नाम पर 18,000 रुपये की राशि ली जिसको आज तक जमा नहीं किया है। राशि वापस मांगने पर जब वह मंगलवार की शाम पैसा मांगने गया तो पैसे देने से इनकार करते हुए धक्का मुक्की की। तो दोस्तों आप समझ गया होंगे कि सहारा इंडिया का मैटर इस वक्त जो है बहुत गंभीर बना हुआ है। इधर से विभाग पैसा लेकर बैठी है, इधर सुब्रत राय पैसा डकारो बैठा है और इधर कार्यकर्ता भी यहाँ पर निवेशकों के साथ छल कपट से पैसा अपने पास रख लेते हैं और कंपनी में जमा नहीं कराते। यही बड़ी शिकायत यहाँ पर धनंजय शर्मा ने सहारा में जो पैसा जमा किया ये सामने आई। तो दोस्तों यहाँ पर सहारा इंडिया की कंपनी में पैसा जमा नहीं किया गया, कार्यकर्ता ने अपनी जेब में रख लिया और इस तरीके से तीन जगह पर निवेशकों का पैसा यहाँ पर लूटा हुआ है। यानी कि एक तरफ सहारा और सेबी विवाद में दोनों ने इस कंपनी का पैसा हड़प लिया और यहाँ पर कार्यकर्ता भी हेरा फेरी करते यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये मामले बहुत गंभीर हैं और इन गंभीर मामलों को सरकार संज्ञान नहीं लेती और यही वजह है जो आज सहारा इंडिया का पैसा, 13 करोड़ निवेशकों का पैसा इसी तरीके से गबन हो चुका है और मिलने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं नज़र आती। ना तो सेबी पैसा दे रही है, ना सहारा पैसा दे रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ही इसमें कोई संज्ञान ले रहा है। तो दोस्तों देखना यह है कि आगे क्या अपडेट बनती है, क्योंकि निवेशक 18,000 रुपये यहाँ पर निवेशक के हड़प लिए गए हैं।